इस वक्त मैं सिक्टी विधानसभा में मौजूद हूँ दोस्तों। सिक्टी विधानसभा का ये पश्चिमी भाग सोना मनी गोदाम पड़ता है। आपको बता दूं कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से भारत नेपाल की जो सीमा है ये भारत नेपाल की सीमा है। अब बताइए कि नेपाल से जो पानी छोड़ा जाता है अब इंडिया के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देखने की बात होगी। इस साल की अगर हम बात करें तो 11वीं बार है जो बिहार का जो तराई इलाका है, तराई क्षेत्र है, और बता दूं कि खास तौर पर जो अररिया, किशनगंज और सुपौल और मधेपुरा की बात किया जाए और किशनगंज की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये वो इलाका है जो प्रत्येक वर्ष यहाँ के लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। मैंने भी कई सारी खबर आपको दिखाया है कि किस प्रकार से लोग जो है यहाँ पर प्रत्येक वर्ष डूबने पर मजबूर हो रहे हैं। अब इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि इतना भारी मात्रा में जो पानी का जो सैलाब है ये पानी कहाँ जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये पानी लोगों के घरों में जाएगा, और लोगों के घरों में जब जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों के घरों को तबाह बर्बाद और नेस्त नाबूद कर देगा दोस्तों। कि हफ्ते हफ्ते दिन तक जब बाढ़ आता है तो यहाँ के लोगों का चूल्हा नहीं जलता है दोस्तों। लोग भूखे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामदेव पंडित। ये कब से स्थिति भयावह स्थिति बना हुआ है? ये जो है ना, ये लमसम 10 या 11 बार ऐसा बाढ़ आ चुका है। जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री का रोड है और ये पंचायत का रोड है, दोनों रोड टूट चुकी है। यात्रियों को पूरा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो हम लोग मौजूद हैं इस वक्त, ये कहाँ पर मौजूद हैं हम लोग? ये हम लोग सोनामनी गोदाम सिकटिया पंचायत वार्ड नंबर 3 में हम लोग अभी मौजूद हैं। अच्छा, ये जो आज जो ऐसा क्रिएट हुआ है समस्या जी, ये किस टाइम पर हुआ है? अचानक से हो गया या फिर धीरे धीरे? ये अचानक सा जो है ना, अचानक सा हुआ है। एक मर्तबे एकदम तूफान बढ़ गया है पानी, जिस जबकि मतलब दो घंटा या ढाई घंटा हुआ है, काफी तेज रफ्तार से पानी एकदम बह रही है। क्या लगता है आसपास की जो नदियां हैं वो उफानों पर है? पूरा उफान पर, हम पता लगाएं तो बोलता है नेपाल का बांध टूट चुका है। अच्छा, अब बताइए कि प्रत्येक वर्ष का ये समस्या है कि नेपाल में बांध जब टूटता है तो कहीं ना कहीं डूबते हैं इंडिया के लोग, और खास तौर पे भारत में जो है ये बिहार का जो क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र, सीमांचल का इलाका, ये इलाका कहीं ना कहीं डूबता है। आप दिखाइए कि कितना भयावह तस्वीर है। ये जो पानी की लहर है, ये पानी की लहर जो है ये कोई खेत खलिहानों में नहीं है, नदी नाले में नहीं है, बल्कि ये जो पानी का धारा है ये जो है मुख्य सड़क पर है। भाई जी ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क है। प्रधानमंत्री जी जी, ये प्रधानमंत्री सड़क है जो... अच्छा, तो आप किसको फेलियर मानते हैं इसमें? मतलब क्यों नहीं, मतलब अररिया के लोगों को बचाया जा सकता है बाढ़ से, बाढ़ मुक्त क्यों नहीं अररिया को बनाया जा सकता है? हम लोग तो सूचना किए हैं, लेकिन सूचना पर मतलब किसी ने अभी तक देखने के लिए नहीं आया है। जबकि आप लोगों को आज सूचना हुई, आप लोग आधा घंटा भी नहीं हुआ, आप लोग तुरंत मौजूद हो चुके हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों का आभारी रहूंगा, सोनामनी गोदाम के व्यक्ति। ये पानी जो इतना मात्रा में जा रहा है ये कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है लोगों के घरों में जाएगा। ये तो लोगों को, यहाँ पे सोनामनी गोदाम में एक महादलित टोला पड़ता है, उसको उन टोला में, घरों में, आंगन में सबका पानी अभी वर्तमान में घुसा हुआ है। अब बताइए कि स्थिति दिखाइए भाई शाहजहां साहब, आप स्थिति को दिखाइए। ये हल्की बारिश हुई है रात में तब ये स्थिति है। इस सब आंगन है? ये इस वक्त मैं एक आंगन में खड़ा हूँ, शाम का समय है। मैं अपने कैमरे का लाइट जला करके इस खबर को कवर कर रहा हूँ, लेकिन तस्वीर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से,
कि ये देखिए कि जी पानी के वजह से किस प्रकार से ये जो घर का जो टट्टी वगैरह है ये किस प्रकार से ये तबाह हो चुका है। देखिए इस तस्वीर को आप दिखाइए शाहजहां साहब कि किस प्रकार से इन लोगों की बद से बदतर स्थिति हो चुका है। अब लोगों के घरों में पानी है, यहाँ जो है लगभग 20 से 25 घर है, तमाम घरों और आंगनों में पानी है, सभी घर में पानी है, सभी घर में पानी है सर। अभी आप पानी में खड़ा है कि सूखा में? मैं पानी में अभी खड़ा हूँ। अच्छा, इस वक्त में अभी ढाई फुट पानी है, 2-3 फुट। ये कौन सी जगह है? सोनामणि गोदाम है। सोनामणि गोदाम? हाँ जी। कब पानी घुसा है घर में? ये पानी घुसा है करीब 12-1 बजे है। बोलेंगे, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ाइएगा लिखाइएगा तब ना बोलेगा बच्चे को। क्या क्या नाम है? आओ इधर नाम। अब बताइए कि गरीबी का आलम देखिए कि किस प्रकार से ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इसके बदन में कपड़े भी नहीं है दोस्तों। ये गरीबी और मुफलिसी का ये कहीं ना कहीं आलम है कि ये बच्चे जो है आज भी एक तो इनके सरों पे जो है बदन पे कपड़े नहीं है, दूसरी बात यह है कि इनके घरों में भी पानी है। अब यहाँ से जो शिकायतें हैं वो जनाब ये कह रहे हैं कि पैसे भी नहीं मिलता है। हालांकि सरकार का जो सिस्टम है उनको चाहिए कि यहाँ का निरीक्षण करे और जो भी बाढ़ से प्रभावित जो भी यहाँ के घर वाले हैं या जो भी पब्लिक हैं बाढ़ से प्रभावित उनको कहीं ना कहीं उचित मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। शायद से ये जो योजना है सरकार का ये कहीं ना कहीं कागजों तक ही सीमित है, ग्राउंड लेवल पर शायद से इन लोगों तक नहीं पहुंचता है। आप लोगों को पता है कि जिसका घर में पानी घुसता है, जो परिवार पानी से प्रभावित होता है, उसको पैसे वैसे मिलता है? नहीं, पैसे उसे तो नहीं मिलता, पानी उन्हीं घुसता है। पैसे तो सरकार देती है लेकिन आप लोगों तक नहीं पहुँचता? नहीं पहुँचता है, नहीं पहुँच, नहीं पहुँचता है। कितना घर में पानी होगा यहाँ? यहाँ करीब 10 घर में तो पानी होगा। 10 घर में पानी? हाँ जी। फिलहाल यहाँ पर जो 10-15-20 घर है तमाम घरों का स्थिति यही है कि देखिए मैं खुद शाम में इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और कितना पानी में खड़ा हूँ। हालांकि बिहार जो है, बिहार का तराई क्षेत्र, ये तमाम इलाका डूबता है, चाहे आप पड़रिया घाट, सिंघिया, बानसबाड़ी, कालू चौक को देख लें, या फिर इधर आप फोरविसगंज के इलाके को देख लें, या फिर घूरना बाजार के तरफ देख लें, ये तमाम इलाका है जो कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ष डूबता है। भारत सरकार तथा बिहार सरकार को चाहिए कि बाढ़ मुक्ति के लिए कोई ठोस कदम उठाए और लोगों का कहीं ना कहीं कल्याण करे।